हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं सितंबर 2024 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। यहाँ पे मैंने चार्ट ओपन करके रख दिया। ये चार्ट जो है मैंने मेरे जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले एसबीआई में यहाँ पे आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन जो है वो क्या हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.14% का पॉजिटिव मूव, 815.6 में हमें क्लोजिंग देखने मिल रही है अगस्त 30th को। तो क्या ऐसा ही यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम रहने वाला है या फिर कोई नेगेटिव मोमेंट आने वाला है, उस बारे में बात करेंगे। क्योंकि हम जो स्टॉक का मंथली का एनालाइज करें तो इस मंथ में यानी कि सितंबर के मंथ में किस रेंज में जो स्टॉक क्लोज होते देखने मिला वो आपको बताएंगे और यहाँ पे उस रेंज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन भी जो मार्क करके देंगे जो आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे इस मंथ के लिए जो ट्रेड लेने में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं लास्ट मंथ का परफॉर्मेंस हमें किस तरह का देखने मिला है। तो यहाँ पे अगर हम देखें परफॉर्मेंस में 6.67% का नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने मिला है। टेक्निकल से यहाँ पे जरूर न्यूट्रल जो है यहाँ पे बता रहे हैं यानी कि दोनों साइड का इशारा देते हैं। इसके से यहाँ पे मैं कई बार कहता हूँ कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उससे भी हमें जो है कंसिडर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं लास्ट मंथ का यहाँ पे परफॉर्मेंस किस तरह का यहाँ पे देखने मिला है, मतलब कैंडल और यहाँ पे वॉल्यूम जो किस तरह का देखने मिला है। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो एवरेज से भी कम हमें वॉल्यूम देखने मिल रहा है। स्मॉल साइज की जो है यहाँ पे एक तरह से बॉडी बनी है और नीचे के साइड में छोटी से ऊपर के साइड में बारीक से भी हमें देखने मिल रही है। RSI 68-69 के आसपास आ चुका है जो हमें यहाँ पे जरूर एक नेगेटिव मूवमेंट का इशारा देता है, लेकिन कई और सारे फैक्टर्स होते हैं उससे भी कंसिडर करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ RSI इंडिकेटर्स पर जो भरोसा नहीं कर सकते हैं। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे कहने से पहले मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीकली के चार्ट पे जो है ट्रेंड जो है बता देता हूँ। तो यहाँ पे वीकली का चार्ट में जो है अगर हम बात करें ट्रेंड की तो स्टॉक में ट्रेंड जो है वो है अभी भी पॉजिटिव। पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा, वहीं पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो देखने मिलेगी। तो जरूर यहाँ पे चीज को ध्यान में रखें। बाकी यहाँ पे जो है मैं इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो मार्क करके रख देता हूँ जो आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे इस मंथ का जो ट्रेड लेने में। तो करंटली जो भी मैं यहाँ पे मार्किंग्स कर रहा हूँ आप जरूर अपने चार्ट पे जो है यहाँ पे याद से कर ले। अगर आप चाहे तो हमारे इस वीडियो को जो पॉज करने के बाद जो है यहाँ पे हमारा एक बार मार्किंग जो कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो यहाँ पे आप जरूर जो इस वीडियो को पॉज करके अपने चार्ट में मार्किंग जो यहाँ पे कर लेना। बाकी अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड आपको कोई हेल्प चाहिए नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे जो है समझाने की कोशिश करते हैं। तो जरूर यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जरूर जो है बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। 815 पे अगर हम बात करें तो क्लोजिंग हमें देखने मिल रही है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 797.96 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 831 का। डायरेक्ट सपोर्ट से लेकर डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है अगर इस रेंज में अगर आपको स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना, ये है नो ट्रेडिंग एरिया। तो यहाँ पे जो है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो तो आपको कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख लें, वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट दो सपोर्ट जोन और दो रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट क्या था, अगला सपोर्ट आता 762 का, उसके बाद क्या था 726 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन के बाद का अगला था 859 का, उसके बाद क्या था 888 का। तो करेंटली मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव मूव के वो मैं आपको बता देता हूँ। 831 से लेके 859 के रेंज में मेरी क्लोजिंग की एक्सपेक्टेशन, लेकिन अगर यहाँ पे किसी भी वीक में जो है वीकली वाइज जो है अगर यहाँ पे 797 के नीचे स्टॉक जो क्लोज होते हुए देखने हमें मिला तो स्टॉक जो है फिर यहाँ पे इस रेंज में नेगेटिव क्लोजिंग दे सकता है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि एकदम ही मिडल में डायरेक्ट सपोर्ट और डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन के जो चल रहा है तो यहाँ पे चांसेस बहुत हाई है स्टॉक जो हमें अगर डायरेक्ट रेजिस्टेंस को क्लोज करते हुए जो वीकली वाइज कैंडल में जो है क्लोजिंग देखने मिल गई या फिर डेली वाइज भी जो देखने मिल गई तो दो दिन के बाद जो यहाँ पे स्टॉक में हमें जो है फॉल देखने मिल सकता है और इस रेंज में फिर हमें क्लोजिंग आते हुए देखने मिल सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखें। बाकी लास्ट मंथ के अगस्त के मंथ के बेसिस पे सितंबर मंथ के लिए कहूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन पॉजिटिव मूव की 831 से लेके 859 के रेंज में। आपको क्या लगता है क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारे एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।